और इस बीच मदन कौशिक कुछ कह रहे हैं, सुनते हैं। जो भी समाचार आपके चैनल पर आ रहे हैं, मैं समझता हूं कि वो उनमें सत्यता नहीं है। और मेरी बातचीत हुई है कल, तो कोई इस्तीफा नहीं हुआ है। मीटिंग छोड़कर चले गए सर देर रात। मीटिंग पूरी, देखिए मीटिंग पूरी हुई है। मीटिंग के बाद मुझे जानकारी ली है मैंने आज, मीटिंग के बाद मेडिकल कॉलेज को लेकर उन्होंने नाराजगी व्यक्त की, मेरे यहाँ मेडिकल कॉलेज बनना है, उस पर उनकी नाराजगी थी। वो एक स्वाभाविक है, वो विधायक भी हैं, मंत्री हैं, तो अपने क्षेत्र के लिए अगर वो इस प्रकार की एक उनका भाव है तो इसमें गलत क्या है। नहीं नहीं, ये चिंता हमें करने तो आप ही क्यों करते हो? सारी चिंता अगर आप ही करोगे तो फिर सरकार क्या करेगी? सरकार को चिंता करने दो। देहरादून जिले में पांच, बताओ देहरादून जिले में 4-5 मेडिकल कॉलेज है, चलता है वो, एम्स भी यही है, दून मेडिकल कॉलेज भी यही है, प्राइवेट भी 3-4 मेडिकल कॉलेज है। आप तो उनका भी इस्तीफा दिलवा रहे थे कल। क्यों नहीं, सब पार्टी के वरिष्ठ लोग हैं, सबने अपना अपना कार्य किया और मैं समझता हूँ कोई इस्तीफा नहीं हुआ है, सब ठीक है। और भारतीय जनता पार्टी पूरी ताकत के साथ खड़ी है। कांग्रेस का कुनबा जिस प्रकार आपस में लड़ रहा है, झगड़ रहा है, आप उस लड़ाई झगड़े को हमसे मत जोड़िए। ये कहा जा रहा है कि मेडिकल कॉलेज तो सिर्फ एक बहाना है, बाकी जो पटकथा है वो पहले से लिखी जा चुकी थी, नाराजगी काफी दिनों से चल रही है। नहीं, कुछ भी नहीं। आपकी जानकारी में कुछ हो तो मेरी जानकारी में नहीं है, आप खोजी पत्रकार हैं। नहीं नहीं, कुछ भी नहीं हुआ, सब इस ठीक है, कोई इस्तीफा नहीं हुआ, सब ठीक है। ताकत के साथ पार्टी के साथ खड़े हैं, लगे हुए हैं पार्टी में। 2022 में 17 से बड़ी विजय प्राप्त करने, यही लक्ष्य लेकर सब लोग काम कर रहे हैं। हमारी देखिए, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कल आएंगे, संगठन के प्रमुख अलग अलग बैठ के हमारी होंगी, जेलों के जो हमारे विधानसभाओं के हमने प्रभारी बनाए हैं, जो हमारे प्रवासी आए हैं, जो हमने सब प्रभारी बनाए हैं, जो हमारे एक अलग से पूर्णकालिक भेजे हैं, उन सबके साथ बैठकर अलग अलग चर्चा होगी, अन्य प्रकार के भी वार्ता चर्चाएं होंगी। अब चुनाव में चुनाव की दृष्टि से इस प्रकार की वार्ताएं चर्चाएं लगातार होंगी। मुझे नहीं दिखे, आपको दिखे हो तो फिर आपको आइडिया लगाना पड़ेगा। सब बढ़िया है, कहीं कोई गलत नहीं, पहले भी गलत नहीं था, अब भी गलत नहीं है। तो देखिए, मदन कौशिक को आप सुन रहे थे। मदन कौशिक ने साफ किया है कि कोई नाराजगी नहीं थी, थोड़ी बहुत नाराजगी मेडिकल कॉलेज को लेकर थी, लेकिन इस्तीफा नहीं हुआ था। ना ही हरक सिंह रावत का इस्तीफा हुआ, ना ही उमेश शर्मा काऊ का इस्तीफा हुआ, ये सिर्फ अफवाह है, महज अफवाह, उन्होंने बता दिया, कुछ नहीं हुआ। 2022 में चुनाव में पार्टी को जीत दिलाने के लिए सब लगे हुए हैं। परिवार में कभी कभी अनबन होती है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि उसे बड़े तौर पर झगड़े के तौर पर दिखाया जाए। और साथ ही साथ उन्होंने जिक्र किया कि कांग्रेस पार्टी में जिस तरीके की कलह है उसे हम पर हावी ना होने दिया जाए, हमसे जोड़कर ना देखा जाए। एक बार फिर से सुनते हैं मदन कौशिक को। सरकार क्या करेगी, सरकार को चिंता करने दो। अच्छा, राव जी से आपने जो बात की, देहरादून जिले में पांच, बताओ देहरादून जिले में 4-5 मेडिकल कॉलेज हैं, तो है, चलता है वो, एम्स भी यही है, उस पर उनकी नाराजगी थी। वो एक स्वाभाविक है, वो विधायक भी हैं, मंत्री हैं, तो अपने क्षेत्र के लिए अगर वो इस प्रकार की एक उनका भाव है तो इसमें गलत क्या है। नहीं नहीं, ये चिंता हमें करने तो आप ही क्यों करते हो? सारी चिंता अगर आप ही करोगे तो फिर सरकार क्या करेगी? तो ब्यूरो चीफ अजीत सिंह राठी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अजीत जी, मदन कौशिक ने साफ कह दिया कि कोई नाराजगी नहीं थी, मेडिकल कॉलेज को लेकर थोड़ी बहुत नाराजगी थी, लेकिन कोई इस्तीफा नहीं हुआ। उमेश शर्मा काऊ को लेकर भी उन्होंने कहा कि आप लोगों ने कल उनका भी इस्तीफा दिलवाया था, लेकिन कोई इस्तीफा नहीं हुआ, ना हरक सिंह रावत का, ना उमेश शर्मा काऊ का। मैं आपसे समझना चाहूंगी, फिर नाराजगी, जिस तरीके की बातें इस्तीफे की सामने आई,
क्या वो पूरी स्टोरी थी, क्या कहानी थी जो आज एकदम से बदली बदली दिखाई दे रही है। तुम्हारी नाराजगी कुछ ज्यादा ही है भारतीय जनता पार्टी से, कहीं कुछ भी नहीं है, ऑल इज वेल, सब ठीक है। वो इस्तीफा नहीं दिया, ना हरक सिंह जी ने दिया, ना किसी अन्य ने दिया। जो भी समाचार आपके चैनल पर आ रहे हैं, मैं समझता हूँ कि वो उनमें सत्यता नहीं है। और मेरी बातचीत हुई है कल, तो कोई इस्तीफा नहीं हुआ है। मीटिंग छोड़कर चले गए सर। एक बार फिर से अजीत सिंह रांची का रुख करूंगी मैं, क्योंकि मदन कौशिक तो साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि सब ऑल इज वेल है। अजीत जी, क्या आपको भी ऐसा दिखाई दे रहा है कि उत्तराखंड में बीजेपी में सब ऑल इज वेल है? देखिए जय, जब जो शुतुरमुर्ग होता है ना, एक पक्षी शुतुरमुर्ग होता है, जब वो रेत के अंदर अपनी गर्दन गड़ा लेता है तो उसे लगता है कि मुझे जब दुनिया नहीं दिख रही है तो दुनिया को मैं भी नहीं नजर आ रहा हूँ। जी, तो मदन कौशिक की बिल्कुल उसी तरह की स्थिति है। रात भर बवंडर मचा रहा और कैबिनेट मंत्री कैबिनेट की बैठक छोड़कर बीच में ही चले गए। रात भर संकट मोचक बनकर अनिल बलूनी लगे रहे, मुख्यमंत्री लगे रहे। मदन कौशिक को अपने जो बाहर के जिलों के दौरे थे रद्द करके आज सुबह देहरादून पहुँचना पड़ा और ये कह रहे हैं कुछ नहीं हुआ है। तो इनको मुझे लगता है कि सच को झूठ में बदलने का एक प्रशिक्षण इन्होंने कहीं लिया होगा। मीडिया की बातों को, मीडिया की खबरों को सत्य से परे ये बता रहे हैं। इन्हीं के मंत्री कैबिनेट छोड़कर जाते हैं और फिर कहते हैं मीडिया चिंता ना करें, हम कर लेंगे। अगर इन्होंने चिंता की होती तो कैबिनेट बैठक से मंत्री अगर बैठक छोड़कर फिर क्यों जाते? दूसरा, ऑन कैमरा सीधा प्रसारण चल रहा है और झूठ बोल रहे हैं मदन कौशिक कि यहाँ पर 5 कॉलेज हैं। उन्होंने पूरे 5 कॉलेज की बात कही है, सरकारी कॉलेज की बात है। पॉलिसी सरकारी कॉलेज के लिए बनती है, प्राइवेट कॉलेज के लिए नहीं बनती। एक पॉलिसी यहाँ फ्रेम हुई है कि एक जिले में एक ही सरकारी मेडिकल कॉलेज होगा, तो यहाँ भी एक ही मेडिकल कॉलेज है देहरादून में, ये झूठ बोल रहे हैं। एम्स इनका थोड़ी है, एम्स भारत सरकार का संस्थान है। 3 जो दूसरे कॉलेज हैं वो प्राइवेट हैं। प्राइवेट कॉलेज तो कोई कहीं भी बना सकता है, उनके लिए संख्या का कोई मामला ही नहीं है। ये तो सरकारी मेडिकल कॉलेज की बात है जिस पर हरक सिंह रावत नाराज हुए, तो ये बरगला रहे हैं मीडिया को अभी भी। यहाँ पर भी एक कॉलेज है दून मेडिकल कॉलेज, एक पॉलिसी बनी है हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज होगा गवर्नमेंट का। अब ये प्राइवेट को भी उसी में गिनकर, देहरादून में एम्स को भी उसी में गिनकर बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं। ये केवल जो 3-4 दिन से कांग्रेस के भीतर उठे तूफान का तमाशा देख रहे थे किनारे पर बैठ करके, कई थपेड़े कल से इनको भी लगे हैं। तो इनको समझ में आ गया है कि दूसरे के घरों पर पत्थर मत फेंको, खुद शीशे के घर में बैठे हो। तो ये इस तरह की स्थिति बन गई है, तमाशा देख रहे थे तमाशबीन बनकर और कह रहे थे कि इनके यहाँ तो अंतर्कलह है, इनके यहाँ इनफाइटिंग है कांग्रेस में। अब कल से खुद क्राइसिस मैनेजमेंट में जुटे हैं। रात भर दिल्ली के बड़े नेता अगर इसमें ना जुटते तो इनको खबर भी नहीं थी कि यहाँ पर क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। जी जय, बिल्कुल। अजीत जी, आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि लगातार इस खबर पर हम बने हुए हैं, एक एक अपडेट अपने दर्शकों को दे रहे हैं।